डॉक्टर भीमराव अंबेडकर परिनिर्वाण दिवस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान सीएम योगी के साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और राज्य मंत्री असीम अरुण भी मौजूद रहे। इसके बाद सीएम योगी ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के परिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि सभा में शिरकत की, जहां सभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने आधुनिक भारत के निर्माण में उनके योगदान को याद किया। बताते चले कि सीएम योगी ने कहा कि बाबा साहब के सभी कार्य अंत्योदय तक समर्पित रहे। वहीं आधुनिक भारत के निर्माण में अविस्मरणीय योगदान देने वाले बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पूरा जीवन लोकतंत्र की जीवंत पाठशाला है। वहीं संविधान शिल्पी भारत रत्न बाबा साहब का हर कार्य हर निर्णय अंत्योदय को समर्पित था। भारत माता के महान सपूत बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की आज परिनिर्वाण दिवस है। इस अवसर पर उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए मैं प्रदेशवासियों की ओर से उनके श्री चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हम सब जानते हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक बात कही थी, हमें धन्यवाद दूंगा कि आप उनके कोटेशन यहाँ जगह जगह लगे हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम सबसे पहले और अंत में भारतीय हैं। आज जब कुछ लोग भारत को कोसते हैं, भारतीयता का अपमान करते हैं, जाति के नाम पर समाज में खाई को चौड़ा करने का काम करते हैं, भाइयों बहनों एक प्रकार से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का अपमान करते हैं। याद करिए कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भी लालच देने का कार्य हुआ था, लेकिन बिना झुके बिना टिके वे भारत और भारतीयता के लिए कार्य करते रहे। और आज यही कारण है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए देश के अंदर हजारों की संख्या में स्मारक हैं। दुनिया में जहां कहीं भी जब भी किसी दबे कुचले समाज की आवाज को बुलंद करने की बात आती है तो लोगों के दिमाग में एक नाम बरबस आ पड़ता है, वह नाम आता है डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर।